जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 क्वेश्चन बैंक SSC GD का सेट नंबर 10 का क्वेश्चन लगाएंगे, जिसमें आपका 25 मैथ का रहेगा। आज देखते हैं। 51 कह रहा है, किसी काम को 2/3 भाग को सी अकेले 12 दिन में पूरा करता है, तो बताइए कि सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा देखिए, कह रहा सी आदमी है, कह रहा 2/3 काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो अब देखिए, 2/3 काम को ये 12 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम हो, जब भी फ्रैक्शन में हमको दे देता है, हम काम मानते हैं एक काम हम मानते हैं। अब एक का 2/3 काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा। तो एक काम के लिए हम करेंगे 12, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको ये 6 हो जाएगा, 6 × 3 = 18। हम कहेंगे टोटल काम करने में सी को 18 दिन समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 में हमको ये सरलीकरण, इसको सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है इंग्लिश में। अब देखिए, इसका हमको इतना बराबर इतना दे दिया, इतना आंसर पूछ रहा है, तो इसको वी बोर्ड मास ले हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या होता है वी बोर्ड मास, बी से मतलब बार हो जाएगा, बी का मतलब ब्रैकेट हो जाएगा, ऑफ मतलब का हो जाएगा, डी मतलब डिवाइड हो जाएगा, एम मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मतलब ऐड हो जाएगा, एस मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे समझ में। अब देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर रहता है ना उसी का पहले काम होता है, नीचे वाला का सबसे लास्ट में काम होता है। तो देखिए, 512 ये हो गया 512, और देखिए ये डिवाइड है, प्लस से पहले क्या है डिवाइड है, तो देखिए ऐड यहाँ पे है, डिवाइड यहाँ पे, यानी पहले डिवाइड का काम होगा, तो डिवाइड का काम कर दीजिए। प्लस 4 लिख दिए। अब ये हमारा क्या है, गुड़ा 5/2। अब गुड़ा से पहले का काम है ऑफ, गुड़ा से मल्टीप्लाई से पहले क्या है ऑफ, ऑफ मतलब का, पहले का काम है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, का काम करेंगे, का मतलब गुड़ा होता है। अब देखिए, का से ऑफ से पहले क्या है हमारा, ये ब्रैकेट है, तो पहले हम क्या करेंगे, का से पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का देखिए एलसीएम लीजिएगा, देखिए 8 × 24 हो जाएगा, ये 3 × 3 इधर हो जाएगा, ये 8 × 8 हो जाएगा, मतलब 11/24। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीधे 11/24 लिख देंगे। अब देखिए, काट दीजिए, 2 × 4 हो जाएगा, ये 12 × 24 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 16 × 32 = 48 हो जाएगा, 16 × 32 हो जाएगा, तो ये हो गया 32 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 11/5 = 55 / 12 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, इधर मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो 12 × 24 = 2 × 36 × 36 = 38 कितना हो जाएगा, 5 × 9 हो जाएगा, 8 × 5 = 13 कैरी 1 × 3 = 4 / 12 हम कहेंगे 4 × 3 = 9 / 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार मेज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, हमको क्या दिया है, परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल एरिया हमको कितना दिया है, 209 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे कह रहा है मेज की लंबाई की याद करें, ले मेज की लंबाई क्या होगा। अब देखिए, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 60 दिया हुआ है, तो परिमाप पहले एरिया निकाल लीजिए। एरिया का मतलब क्या होता है, आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी एल गुणे बी बराबर कितना हो जाएगा, 209, ये हमारा एरिया हो गया। अब देखिए, परिमाप आयत का परिमाप होता है 2L + B होता है, बराबर कितना, परिमाप बराबर परिमाप, ये वाला 60 रख देंगे। अब ये काट देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30, यानी L + B बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हमको एक वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट आता है। अब यहाँ पे क्या करें ना, L + B का मान आ गया आपको, और L - B का मान निकाल के 2 समीकरण आएगा, उसको तोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे ना, कि एक वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट आता है, उसी कंसेप्ट के थ्रू हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे L का क्या मान रखा जाए और B का मान क्या रखा जाए, ताकि जोड़ने पे हमको 30 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए, 209 आ जाए। अच्छा, अगर देखिए यहाँ पे मैंने हमको हर हालत में लास्ट में क्या करना, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए। तो अगर 19 और 11 रखेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए 19 रख दीजिए, यहाँ पे 11 रख दिए, 11 × 99 = 9 हो जाएगा, और देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और गुणा करिएगा तो 11 × 99 = 9 और कैरी 9 × 11 = 9 कितना हो जाएगा, 20, 209 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो हम कहें एल का माना हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 19 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एल बराबर हमारा हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट है। क्या करिए ना कि दोनों का मान फटाफट क्या करिए, पुट कर दीजिए अपने हिसाब से कुछ भी मान के, और दोनों समीकरण में ये सूटेबल होना चाहिए, यहाँ पे दोनों में सूटेबल, जैसे सूटेबल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल क्रय मूल से 70% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल, अंकित मूल का मतलब एमपी, क्या कर रहा है क्रय मूल से 70% अधिक है, तो क्रय मूल का हमेशा 100% मानेंगे, इससे 70% अधिक है यानी ये 170% अंकित किया गया होगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि 10% छूट देने के बाद 1071 रुपये में बेचा गया, कह रहा है 10% छूट, इस पे क्या कर रहा है 10% छूट दे रहा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 10% छूट देने के बाद कह रहा है कि 1071 रुपया, 1071 रुपया में बेच रहा है। अच्छा 170 पर 10% छूट दिया जाएगा कितना हो जाएगा, पीछे से एक डेसिमल लगाएंगे तो हमारा 10% का मान निकलता है, पीछे से दो अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारा 1% का मान निकलता है, तो यहाँ पे हमारा 10% का मान निकालना है, तो 10% का मान कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, 10% का मान हमारा 17 हो जाएगा, तो 170 में से 17 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो 153 हो गया, ये 153 हो गया, ऐसे समझ में। अब हम कहेंगे कि 153% बराबर रुपया में हमको इतना, अब परसेंटेज में हमारा कितना इतना है, तो हम कहेंगे 153% बराबर 153% बराबर 1071। अब क्या करिए, काट दीजिए, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 9 से काटिए ना 24 सत्यलिखे गए, 7 से काट दीजिए, ये 7 से कट जाएगा, 1:1 बराबर 1 अनुपात 1% बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है, यानी 100% सीपी 100% माने तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 700 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मजा आ रहा है पढ़ाई करने में। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 7800 रुपया हो जाता है, कह रहा है कि 5 वर्षों में 7800 रुपया हो जाता है। अब देखिए ये 5 वर्ष में 7800 रुपया हो जाता है, हो जाने का मतलब क्या होता है मिश्र धन, ये हमको क्या दर्शा रहा है मिश्र धन दर्शा रहा है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 6 वर्षों में 9048 रुपया हो जाता है, 6 वर्षों में 9048 रुपया हो जाता है, ये हमसे दर्शा रहा है। तो कह रहा है कि वस्तु का चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, हमसे पूछ रहा है दर यानी आर का मान पूछ रहा है। एक फार्मूला हम लोग को पता होगा, ए बराबर पी 1+R/100 के पावर एन, ये हमको फार्मूला होता है, ये मिश्रधन, ये हमारा मिश्रधन हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये दर हो गया, ये समय हो गया। अब देखिए मिश्रधन हमारा क्या है 9048 रुपया, पी नहीं है तो पी छोड़ देंगे इसी तरह, 1+R की जगह पर कितना रखेंगे, आर हमको निकालना अपॉन 100 हो जाएगा, एन की जगह पर क्या रखेंगे 6 वर्ष इसका ले रहे हैं तो 6 वर्ष रखेंगे। अब देखिए इसी के जस्ट नीचे रख दीजिए 5 वर्ष को, ये 7800 हो जाएगा, और इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा पी 1+R/100 के पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 वर्ष के लिए, दूसरे वाला में क्या है 5 वर्ष के लिए लगाया गया है। अब देखिए ये पी पी कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बस 1+1 वो हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा देखिए 9048/7800 1+R/100 हो जाएगा। अब ये वाला इधर आएगा तो ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा R/100, और ये हो जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा तो ये एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9048-7800 अपॉन कितना हो जाएगा 7800। अब देखिए ये 2 जीरो ये 2 जीरो क्लियर कट जाएगा, कट गया। अब ये घटाइए आर बराबर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 48 आ जाएगा, और ये 8 में से ये 2 जाएगा, और 7 × 8 में से 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, काटिएगा तो 16 दिन में कट जाएगा, तो यानी आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन कह रहा है किसी वस्तु का चक्र क्रय मूल 928 रुपया है, कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल कितना है 928 रुपया है, कह रहा है और
15% लाभ है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 928 रुपया और 15% लाभ है तो प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ना कि क्रय मूल्य 928 रुपया है और कह रहा है ना कि प्रॉफिट जो है ना वो हमको 15% दिया हुआ है, पीएफ जो है हमको 15% दिया हुआ है, यानी क्रय मूल्य से 15% अधिक में बेचेंगे तभी हमारा क्या होगा, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना प्रॉफिट कितना होगा। तो हमेशा सीपी को क्या माना जाता है, 100%, 100% में 15% का प्रॉफिट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। ऐ समझ में, तो कह रहे ना कि जो 15% का प्रॉफिट हुआ वही हमको बताइए। तो हम कहेंगे 100% बराबर 928, तो 15% बराबर 928 अपॉन 100 इंटू 15, 5 × 15 5 × 10 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 4 × 8 हो जाएगा, 6 × 12 4 × 8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 12 = 2 कैरी 1 और 6 × 18 = 19 कैरी 1 और 4 × 12 = 13 हो जाएगा। अब इसको 10 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, यह हमारा आंसर आ जाएगा 139.2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 करें, एक निश्चित साधारण धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9,000 रुपया है। यदि वार्षिक दर पर 30% हो जाए तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब हमको क्या कर रहा है ना कि हमको क्या कर रहा है, हमको कह रहा है कि पहले तो कह रहा है कि एक धनराशि, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 रुपया है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 9,000 रुपया है, यानी SI हमको कितना दे दिया है, 9,000 रुपया दे दिया है, और हमारा दर दिया हुआ है 15% और समय हमको दे दिया कितना, 3 वर्ष। तो कह रहा है ना कि 3 वर्ष दे दिया, तब यहाँ से हमको पहले बात तो प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा कि कितने रुपया पे लगाया गया कि ब्याज हमको 9,000 प्राप्त हुआ। तो एक फार्मूला होता है SI बराबर P × R × T/100 होता है। अब देखिए SI का मतलब कितना है, 9,000 रुपया, P का मतलब कितना हो जाएगा, P हमको निकालना है, R हमको कितना दिया हुआ है 15% और समय कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करिए ना कि इसको काट दीजिए, 15×6 = 90, ये 600 हो जाएगा, ये 3×6 हो जाएगा 200 हो जाएगा, अब P बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा आ गया 20,000 रुपया। तो अब हमसे आगे क्या कर रहा है, हमसे यह कर रहा है ना कि यदि ब्याज की वार्षिक दर 30% हो तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अगर ब्याज की वार्षिक दर जो है ना आर बराबर हमको कह रहा है कि अगर 30% हो जाए तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो हमको SI बराबर, अब P की जगह पे क्या रखेंगे, 20,000, R की जगह पे 30 इंटू समय 2 वर्ष अपॉन 100। अब इसको काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3×6 = 12 हो जाएगा, 12 और 2 × 1 = 0 ये और 1 = 0 ये, तो हम कहेंगे 12,000 रुपया क्या होगा, इसको ब्याज मिलेगा 2 वर्ष का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंठावन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 हमको इतना दे दिया और इतना बार हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी बोर्ड मास, मैं बहुत मरतबा बता चुका बी बोर्ड मास, और देखिए आपका ना जी जितना GD का मैंने सेट डाला ना सब प्लेलिस्ट में मेरे YouTube पे MMT क्लासेस को चैनल पे जाइएगा ना तो वहाँ पे दिया हुआ है सब। आप क्या करिए, वीडियो जो नहीं देखा वो देख ले। अब देखिए ये 1040 और माइनस से पहले क्या होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन से पहले हमारा आता है डिवाइडेड, तो ये हमारा डिवाइडेड हो जाएगा 65 और माइनस 8 1/2, 1/2 से पहले हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से पहले गुणा, ये का काम होता है, यानी इसको गुणा लिखेंगे, ये गुणा हो गया। अब देखिए ये का से ना, का से पहले हमारा क्या होता है, ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट में क्या करिएगा, 3×3 ये 2×2 तो हमारा 1/6 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/6,
आए समझ में? अब देखिए दो ये चार दान में हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। अब इसको काटिए, 13 5 65 13 8 104 हो जाएगा, ये आ गया 16। तो हम गए 16 माइनस 2 बटा 3 हो जाएगा। अब 16 से 32 और 48, 48 माइनस 2, 48 माइनस 2 बराबर 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 46, 46 अपॉन 3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको ये इतना डायग्राम हमको दिया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है ना कि 7 विभिन्न कंपनियां हैं, देश द्वारा आयात का प्रतिशत दी गई पाई चार्ट में दर्शाया गया है। 7 ये कंपनियां हैं और देश में क्या कर रही है, आयात कर रही है, खरीद रही है। अब देखिए P1 11% टोटल का ना परसेंटेज में ये दर्शा दिया गया कि P1 इतना खरीदा है, P2 इतना खरीदा है, P3 इतना खरीदा, टोटल को हमको दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि वस्तु P1 33,000 की आयात किया है, P1 का मतलब 11% यानी परसेंटेज में 11% आयात किया है, और क्वेश्चन के हिसाब से 33,000 आयात किया है यानी 11% बराबर 33,000। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, तो वस्तु P2 का आयात मूल्य मान कितना होगा, यानी P2 का मतलब 23%, यानी हमको 23% का मान पूछ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 33,000 अपॉन 11 इंटू 23। अब देखिए काट दीजिए, 11 3 33, 3,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 0 3 3 9, 3 2 6, हम कहेंगे 69,000 रुपया P2 क्या किया, आयात किया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है कि 1/A 1/B 1/C का रेशियो हमको दे दिया, 2:3:4 दिया हुआ, तो हमको ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है, यानी ये हमको क्या कह रहा है ना, इनवर्स में लिखा हुआ है। अब इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अब इसको निकालने के लिए इसको 1/2 रखेंगे, 1/2 ये हमारा 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लाना है, तो ये इसको क्या करिए पलटिएगा, एक एक से डिवाइड करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये और ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या मान के निकल के आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसमें भी एक से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक से डिवाइड करिएगा तो इसका ऐसा मान हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं रेशियो में लाने के लिए, क्या करते हैं नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम में सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 × 12 हो जाएगा, 1/3 × 12 हो जाएगा, और 1/4 × 12 हो जाएगा। अब देखिए ये 6 हो जाएगा रेशियो, ये 3 6 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है किसी कक्षा में 70 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट हमारा कितना है, 70 हो गए हैं, टोटल स्टूडेंट हमारा कितना, 70 है। अब हमसे क्या कह रहा है, 26 लड़कियों का औसत 28 केजी है, गर्ल्स है 26 लड़कियां, इसका औसत कितना है, 28 केजी है, ये क्वांटिटी दर्शा रहा है, ये एवरेज हमको दर्शा रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शेष सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 35 केजी है, और जो शेष बच रहे हैं उनका औसत वजन कितना है, 35 केजी है। तब देखिए 70 में से 26 लड़कियां हैं, तब 70 में से 26 घटाएंगे तो वही शेष बचेंगे, तो घटाइए तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और 3 ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, घटाइएगा तो ये 44 आ जाएगा। अब जो शेष रिमाइंडर जितना बच गए वो लड़के हो गए। अब क्या होता है ना कि एवरेज निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा 70 से, तो एक वो भी ऑप्शन बन सकता है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं ना, जो क्वांटिटी हमको दिया रहता है लड़का लड़की का दिया रहता है संख्या, उसको हम रेशियो बना लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से कट रहा है तो ये हमारा 13 हो जाएगा, ये हमारा 22 हो जाएगा, 22 × 44। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ना कि लड़की जो है ना 13 रेशियो में है, और लड़का कितना है जो शेष बचे हैं वो 22 रेशियो में है। अब हमसे निकाल ले एवरेज, औसत, औसत बराबर योग होता है, तो योग कितना हो जाएगा 28 × 13 और प्लस 22 × 35 अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ दीजिए तो 3 2 5 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अरे समझ में, अब ये हो गया 35 अपन संख्या कितना हो जाएगा, लड़का और लड़की को मिला के दोनों का रेशियो, इसी से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड भी कर देंगे, जोड़ने पर कितना आ गया 35 हो गया। अब देखिए अब ये ऐसा करिए ना, इसमें 7 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 7 5 35
सच्चे 28 आ देखिए 7 5 35 ये भी कट जा रहा है तो काट दीजिए बात खत्म हो जाएगा। जितना कटने वाला रहता है ना तो कॉमन लेके काट ताकि आसानी हो जाता है। 13 6 43 43 52 यहाँ पे 52 हो गया और ये 5 10 5 10 एक 11 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 2 का 2 हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। अब डिवाइड दे दीजिए तो 5 3 15 हो जाएगा और 5 10 5 6 20 हो जाएगा। हम कहेंगे 32.4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देखिए 62 नंबर में क्या कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड समय लेती है। अब क्या करती है 30 सेकंड समय लेती है तो कह रहा है कि 550 मीटर पुल लंबे पुल को पार करने में कितने समय लेगी। तब देखिए दोनों सिचुएशन में हमारा क्या होगा ना कि चाल इक्वल होगा। हमेशा क्या होता है कि दोनों अब एक ट्रेन है एक दूसरी पुल को पार कर रही है एक तीसरी पुल को पार कर रही है तो चाल तो सेम ही रहेगा तो हम कहेंगे चाल बराबर चाल यही हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। अब जब भी ट्रेन कभी भी पार करती है कोई पुल को या कोई प्लेटफॉर्म को तो खुद की लंबाई और अपनी भी लंबाई पार करती है। अब यहाँ पे देखिए जो पहला प्लेटफॉर्म पार किया उसका चाल निकाल लेते हैं फिर जो बचा हुआ उसका चाल निकाल दें तो चाल बराबर क्या होता है दूरी अपॉन समय होता है। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा दूरी देखिए 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 250 मीटर और फिर आगे कह रहा है 350 मीटर लंबे पुल तो ये हमारा कुल दूरी हो गया अपन समय दिया हुआ 30 सेकंड में पार कर देती है। अब ये चाल हो गया फिर इसका चाल लिख लीजिए तो ये 250 मीटर हो जाएगा ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगा और फिर क्या कह रहा है 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है यानी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब इसी का समय पूछ रहा है कि समय कितना होगा तो समय हमको नहीं पता है मैंने टी लिख दिया। अब ऐसे क्या करिए ना आप जोड़ दीजिए तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 600 हो जाएगा 600/30 बराबर क्या हो जाएगा इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6 2 8 800 हो जाएगा 800/t हो जाएगा। अब देखिए ये 00 से 00 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा ये 2 6 8 हो जाएगा तो t बराबर कितना हो जाएगा ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम कहेंगे 40 सेकंड यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि देखिए 10 यहाँ पे बचा हुआ तो ये हमारा चला जाएगा इधर तो ये हमारा 40 सेकंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए 63 में क्या कह रहा है ना कि एक चुनाव में रवि और मनोज दो उम्मीदवार हैं। रवि को कुल वैध मतों का 61% प्राप्त हुआ यदि 25,000 कुल मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिया गया। कह रहा है कि यदि 25,000 कुल मतों में से 20% क्या किया अवैध घोषित कर दिया गया तो हम क्या करें ना कुल मत कितना पड़ा मैंने मान लिया कुल मत बराबर कितना मैंने मान लिया 100% मैंने कुल मत मान लिया अपने से 100%। अब कह रहा है कि इसमें से 20% क्या हो रहा है अवैध हो जा रहा है तो कितना हमारा टोटल 80% वोट बचेगा। अब कह रहा है ना कि 80% में से कह रहा है 61% कह रहा है कि कुल रवि कुल वैध मतों का 61% प्राप्त करता है। अब क्या करता है एक रवि है अच्छा एक चीज़ देखिए 80% को मैंने अपने से मान लिया 100% ताकि हमको क्या हो जाएगा कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा क्योंकि 80 का आप 61% निकालिएगा ना तो फिर डेसिमल में चल जाएगा ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा तो 80% को ना मान लीजिए 100% अपने से मान लीजिए फिर से मैंने मान लिया जब भी आएगा ना 100% का मान उसको हम 80% के बराबर कर देंगे और फिर इसके बाद 100% का मान निकालें तो टोटल हमारा कुल मत की संख्या निकल जाएगा। अब देखिए करा 100% करा कि शेष मतों का ना 61% रवि को प्राप्त होता है ये हमारा रवि हो गया तब 80 को मान लिया 100% का 61% तो ये हमारा 61% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये हमारा 29% हो जाएगा ये कितना 39% हो जाएगा। जो दूसरा कैंडिडेट जो है मनोज इसको एम मान लिए तो मनोज को हम कहेंगे ना कि 39% क्या किया वोट मिला हुआ है और इसको मिला है 61% तो कह रहा है यदि 25,000 कुल मतों में से 80% अवैध घोषित हो गया तो मनोज को कितने मत प्राप्त हुए यानी मनोज को कितने मत प्राप्त हो गए टोटल हमारा दिया हुआ टोटल मत हमको दिया हुआ कितना 25,000 वोट दिया हुआ है और टोटल मैंने माना 100%
तो हम कहेंगे 100% भिजवा रहा है, और कितना हो जाएगा 25,000। अब ये 00 से 00 कट जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा 250। ठीक, अब हमसे क्या करना है ना कि 250 में से अब हम निकालेंगे 80% का मान निकालेंगे, यही टोटल हमारा मत हो जाएगा। 80% को फिर क्या करेंगे, 100 से कैलकुलेट कर देंगे। अब इसका निकालिए 80% निकालिएगा तो शेष अवैध जो वैध अवैध मान था 20% निकल कर जो शेष फाइनल मत बचा था वो हो जाएगा। तो 80% बराबर कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा, 8 × 40 = 4, 8 × 16 = 20। हम क्योंकि टोटल जो वैध मत है वो हो जाएगा 20,000। अब देखिए 80% को मैंने क्या माना था 100%, यानी हमको ये कहना पड़ेगा 80 को हटा के अब हमको लिखना पड़ेगा 100%, 100% बराबर 20%। अब ये काट दीजिए तो हम कहेंगे 1% बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है मनोज को कितना मिला, तो हम कहेंगे 61% बराबर कितना हो जाएगा 0 × 2 = 2 हो जाएगा, और 6 × 12 हम कहेंगे 12,200 वोट क्या होगा मनोज के मिला है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये 12,200 ना ये हमारा रवि को मिला है, हमसे पूछ रहा है मनोज का पूछ रहा है, यानी मनोज हमारा कितना हो जाएगा 39% का मान निकालिए। तो ये हो जाएगा 00 कट जाए 9 × 18 = 8, हाथ में लग गया 1 × 3 = 6 = 7, हम कहेंगे 7800 वोट कितना मिला है, ये मनोज को मिला है 7800 वोट। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा बी, 63 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में हमको क्या कर रहा है, हमको 64 में यह कह रहा है कि दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 5:6 है। अब दो वस्तु है जिसका मूल्य कितना है 5:6 है, तो ऊपर वाला 5 लिख दिया, नीचे 6 लिख दिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम वस्तु में 30% की वृद्धि कर दिया जाए, तो प्रथम वस्तु में क्या किया 30% का वृद्धि, यानी 130/100 हो जाएगा। अब नीचे देखिए कह रहा है कि दूसरे वस्तु में 1% की कमी हो जाती है, यानी 100 − 6/100 कमी हो जाती है, तो उसका नया अनुपात 13/11 हो जाता है, उसका नया अनुपात जो होता है ना 13/11 हो जाता है, यही हमसे कह रहा है। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा, 13 × 2 = 130। अब ये हो जाएगा 50 × 11 = 55, 550। तो हम कहेंगे 6 इसको क्या करिए ना यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 600 − 6x बराबर कितना हो जाएगा 550। अब इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो हम कहेंगे 6x बराबर कितना हो जाएगा 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8.33%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना परसेंट की कमी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65 हमको क्या कह रहा है, 65 में एक चार्ट दे दिया हुआ है, चार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, ऊपर दिया गया कह रहा है दिए गए पाई चार्ट आरेख में एक शहर के दिए गए वर्ष में विभिन्न प्रकार के कारों की बिक्री को दर्शाया गया है, ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग मॉडलों के कारें हैं, और एक कोई शहर है जिसमें T1 में क्या 20% कारें बिकी हैं, T1 कंपनी का 20%, T2 का 15%, ऐसे टोटल T7 का क्या हुआ 6% बिक्री मतलब हुई है, कारों की बिक्री हुई है। अब आगे देखिए कह रहा है यदि शहर में कारों की कुल बिक्री कितना है, कह रहा है यदि कुल शहर में कारों की बिक्री 2, 2, 4, 1, 5 टोटल बराबर हमको दिया हुआ है 6, 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है 6 लाख टोटल हमारा क्या हुआ, कह रहा है कि टोटल बिक्री 6 लाख हुआ है, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा टोटल परसेंटेज में हो जाएगा 100%, तो हम कहेंगे 100% बराबर 6 लाख हो जाएगा। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि दिए गए वर्ष में T4 में शहर की बिक्री कितनी हुई है, अब T4 में शहर में बिक्री कितनी हुई थी यानी 21%, तो हमसे मान पूछ रहा है 21% का, देखिए 1% का हमारा मान कितना हो जाएगा 1% का हो जाएगा 6000, तो 21% का मान कितना हो जाएगा 6 × 21,000 यानी 30 ये 6×6 = 12, तो हम कहेंगे 1,26,000 कारें क्या हुई यहाँ से हमारा T4 कंपनी से बिकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन छाछ देखिए क्या करें, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 16 cm / 12 cm है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, 16 cm और चौड़ाई कितना दिया हुआ 12 cm दिया हुआ, आयत का हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा आयत का? एरिया बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी हम कहेंगे 16 गुणे 12। अब 16 दुना 32 को 2 3 16 3 19, हम कहेंगे 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 क्या कह रहा है कि M एक काम को L द्वारा काम को समाप्त करने में लगने वाले समय से 14 दिन कम समय में पूरा करता है। M जो है, M कोई व्यक्ति है, कह रहा है L से जितना दिन में काम समाप्त करता है ना, उससे हम 14 दिन कम में समाप्त कर देते हैं, यानी L माइनस 14, इतना दिन में ये क्या करेंगे, M काम समाप्त कर देगा। फिर अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि M और L दोनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। M और L मिलकर दोनों उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये 24 दिन में काम पूरा करते हैं। अब आगे देखिए क्या करें, तो कह रहा है कि M अकेले पूरा उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। M अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, अब हमको ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 35 56 21 35 56 21, और क्या दिया हुआ 42 दिया हुआ है। ये हमारा ए बी सी तीन हमको ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे ना, हमको दिया हुआ ऑप्शन में किस चीज का मान दिया हुआ है, तो हम कहेंगे एम का मान दिया हुआ, अकेला एम इतना इतने दिन में कर सकता है, कोई ऑप्शन मैच करता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि लास्ट वाला से सीधे उठाएंगे, जब भी ऑप्शन हमको चेक करना होता है तो लास्ट वाला से चेक किया है, ताकि एग्जामिनर को क्या करता है ना कि जब भी ऑप्शन देता है तो वो लास्ट वाला देता है। तो हम मान लेंगे एम का हम कितना 42 दिन में पूरा समाप्त किया होगा, तो हम क्या करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से टोटल हमारा वर्क हो जाएगा, तो 24 और 42 का क्या करिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 8 24 3 1 3 3 4 12 हो जाएगा, ये 2 से 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 7 6 28 28 6 हो जाएगा, 8 6 48 6 2 12 4 16 168, हमारा एलसीएम आ गया 168। अब देखिए इसको क्या करिए ना, इससे इससे डिवाइड करिएगा तो हमारा एम और एल मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। तो करिए देखिए 7 दिन में कट जा रहा है, इसको करिएगा तो कितना, ये 4 दिन में कट जा रहा है। तो हम कहेंगे ना कि एम एक दिन में 4 काम कर रहा है और एम एल दोनों मिलके 7 काम कर रहे, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। अगर एम ये अकेला 4 काम कर दे रहा है तो एल 3 काम करता होगा, तभी ना दोनों मिलके 7 काम करेंगे, है कि नहीं। तो अब देख लेते हैं ना कि एम अकेले, एल जो है ना अकेले कितने दिन में काम करता है। एल अकेले लगा समय, समय बराबर हमारा हो जाएगा 168/3, 3 5 15 3 6 18, हम कहेंगे एल जो है ना अकेले 56 दिन में काम कर देगा। अब देखते हैं एम कितना दिन में काम कर रहा है, 42 दिन में काम कर रहा है, 42। तो हमसे ये बोला था ना कि एम जो है ना एल से 14 दिन पहले काम करता है, यानी यहाँ पे अगर एम का मान रख के घटाएंगे देखेंगे अंतर 14 आएगा, तो हमारा यही सूटेबल आंसर होगा। इसमें से 42 घटाइए तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 1, हम कहेंगे 14 दिन अंतर आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक से बनाइएगा ना तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है कि यू बी डब्ल्यू का रेशियो हमको दे दिया है, ठीक, और हमसे कुल लाभ हमको दे दिया है 10,223 रुपया। इतना रेशियो में क्या कर रहा है, पूंजी को निवेश कर रहा है। कोई एक कंपनी है, कोई एक दुकान है, उसमें क्या कर रहा है, ये 12 रेशियो में, ये 20 रेशियो में, ये 27 रेशियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कुल लाभ इनको हो रहा है 10,230 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है ना बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा हमसे क्या होगा, यही डाटा है ना जी, हाँ यही है। तो हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या होगा, तो हम देखेंगे जितना पूंजी में निवेश किया जाता है ना वही हमारा लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये इसको क्या करिए ना, इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए 7 2 9 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, नहीं जाएगा 7 2 9 हो जाएगा 59 रेशियो, कुल लाभ बराबर, रेशियो में हमारा लाभ इतना का हुआ और क्वेश्चन में लाभ हमको इतना दे रहा है। अब इसको काटिए, काटिएगा ना तो 165 दांत में कट जाएगा, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे बी का मान पूछ रहा है, तो बी का मान कहता है 20 है, तो 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 के 10 के 0 कैरी 1 6 2 12 3 हाथ में लगा 1 2 1 3, हमें 3300 रुपये क्या होगा, 3300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 69 देख कर, मोहन 187 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यदि मोहन अपनी चाल को 6 किलोमीटर बढ़ा दे तो वही उसी दूरी को तय करने में 6 घंटा कम समय लगेगा। अब समय का क्या कर रहा है ना कि हमसे समय का कंपेयर कर रहा है, तो समय का कंपेयर यानी पहले वाला जो समय लगता होगा, अब जो 6 किलोमीटर चाल बढ़ाएगा यानी कम समय में पहुंचेगा, तो दोनों में से घटा दिया ना तो उसको 6 घंटे का अंतर आ रहा है। तो हम देखें पहले वाला चाल 187/S, अब जो 6 किलोमीटर चाल बढ़ाएगा
तो दूरी ये हो गया 187 अपॉन समय कितना हो जाएगा s प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए समय माइनस समय बराबर कितना 6 घंटा की क्या हो रहा है 6 घंटा के वो हो रहा है कमी हो रहा है तो 6 घंटा कमी कर दिए। अब ये 187 हमारा क्या किया घटा दिए, अब ये एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा s प्लस 6 और माइनस कितना हो जाएगा s और यहाँ पे हो जाएगा s माइनस s प्लस 6 हो जाएगा अपॉन ये हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कट जाएगा और 6 से 6 ये कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा s s प्लस 6 ये वाला इधर चला जाएगा ये 187 का 87 रह जाएगा 187। अब हम कहेंगे ना कि हम यहाँ पे s का मान ऐसा कोई वैल्यू पुट करें जो हमारा गुणा करने के बाद क्या होना चाहिए आना चाहिए 187। तो अब देखिए x का मान क्या पुट करिए अगर 11 s का मान देखिए ऑप्शन सी देखिए s का मान अगर 11 s बराबर हम 11 पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 11 और 11 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 17 तो 17 के हम 17 188 187 आ जा रहा है तो हम कहेंगे s बराबर कितना हो जाएगा 11 तो हम कहेंगे पहले 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है यही हमारा आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कह रहा है कि दो त्रिज्याओं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, हमसे पूछ रहा है तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो एक वृत्त ये हो गया जिनकी त्रिज्या कितना हो गया ये त्रिज्या मान लीजिए कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हमको दे दिया और दूसरा वृत्त ये हो गया जिनका त्रिज्या हमको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद ना एक बड़ा त्रिभुज बना होगा अब इसका ये त्रिज्या r हो जाएगा तो यही हमसे क्या कर रहा है यही हमसे पूछ रहा है बड़ा r का मान पूछ रहा है। अब देखिए ये दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल के जोड़ देंगे और बड़ा वाला क्षेत्रफल से कंपेयर कर देंगे तो बड़ा वाला क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा पाई क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर बराबर छोटा वाला का पाई आर वन का स्क्वायर पाई आर टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पाई पाई ये कॉमन लेके काट देंगे आर का स्क्वायर बराबर इसका कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और ये कितना हो जाएगा इसका दिया हुआ 8 यानी 8 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब r बराबर हो जाएगा 269 नहीं 5 4 9 हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा 289 हो जाएगा। ये कितना वर्ग है ये हमारा 17 का वर्ग है तो हम कहेंगे जो बड़ा वाला वृत्त होगा उसका त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 17। देखिए 70 हमको ये इतना चार्ट दिया हुआ है अब इस चार्ट में कह रहा है ना कि हमसे ये कह रहा है ना कि पाई चार्ट में 7 विभिन्न कंपनियां द्वारा दर्शाए गए आयात का प्रतिशत में दर्शाया गया है। अब 7 विभिन्न कंपनियां हैं ये क्या करिए आयात की है अब टोटल आयात का ये परसेंटेज में P2 कितना 23% आयात किया है और P3 कितना 15% ये टोटल हमको प्रतिशत में दर्शाया गया है तो हमसे कह रहा है ना कि P6 का आयात P5 के आयात से कितने प्रतिशत अधिक है P6 और P5 के आयात से कितने प्रतिशत अधिक है P5 से कितने प्रतिशत अधिक है तो P6 का आयात कितना है P6 का है 21 और P5 का कितना है P5 का है 12। अब देखिए कंपेयर घटाइए कितना हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और कंपेयर किससे कर रहा है तो कह रहा है P5 से कितने प्रतिशत अधिक है जिससे कंपेयर करता है वही नीचे जाता है यानी ये 12 हमारा नीचे हो गया अपॉन 100। अब तितली के 9 हो जाएगा 3 4 12 हो जाएगा ये 25 हो जाएगा तो हम कहेंगे 25 75 हम कहेंगे 75% क्या है अधिक है ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है पी कोट वस्तु क्यू को 5% हानि पर बेचता है। अब एक कोट है पी क्या कर रहा है ना क्यू को 5% हानि पे बेच दे रहा है तो हम कहेंगे अगर पी 100 रुपया में खरीदा होगा तो क्यू को क्या कर रहा है 5% हानि पर बेच रहा है यानी बेचा होगा 95 रुपया में आए समझ में। फिर आगे देखिए क्यू को बेच दे रहा है कह रहा है ना क्यू जो है ना 20% हानि पर आर को बेच देता है। अब कोई बंदा आर है इसको क्या कर रहा है ना 20% हानि पर बेच दे रहा है इसका 20% कितना हो जाएगा तो ये 10% हो जाएगा 9.5 तो 20% कितना हो जाएगा 9 2 18 19 यानी हमारा 20% हो जाएगा 19। अब इसमें से घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4 6 हो जाएगा 2 ये हमारा हो जाएगा 76 था कहेंगे आर का मान हमारा कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा ठीक। तो हमसे कह रहा है ना कि 76 रुपये यानी आर हमारा खरीदा होगा 76 रुपये में ठीक। अब आगे हमसे क्या कह रहा है यदि आर उस वस्तु को 2812 रुपया देता है आर जो है ना 2812 रुपया और परसेंटेज हम लोग के हिसाब से 76 रुपया दे रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रहा है 2812 रुपया तो हम कहेंगे 76 = 2812 रुपया। अब आगे हमसे क्या कह रहा है
तो हमसे क्या कर रहा है, तो पी का क्रयमूल कितना होगा, सीपी हमसे पूछ रहा है, यानी पी का क्रयमूल, पी ने कितना रुपया में खरीदा था, 100% माना था, तो 100% बराबर ऐसे कर देंगे 28/12/76 × 100। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 4, 8 = 4, 9 = 36 हो जाएगा, 4 × 7 = 28 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। और ये कटेगा, ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है आंसर, इसका सही आंसर आ रहा है, तो 19 × 38 = 57 हो जाएगा, 57 × 3 = 133। तो 19 × 7 कितना हो जाएगा, 19 × 7 = 133 हो जाएगा, और तो अब सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 3700 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 में क्या कह रहा है, 73 में ये कह रहा है ना कि प्रथम दो माह का औसत हमको दिया हुआ है, प्रथम दो माह का औसत हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8160 रुपया दिया हुआ है, ये औसत दिया हुआ है, अगर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कितना हो जाएगा, ये करिएगा तो हो जाएगा 0 × 0 हो जाएगा, 6 × 12 = 2, करीबन 2 × 1 = 3 हो जाएगा, 8 × 2 = 16, हमें 16320 रुपया क्या हो जाएगा, दो माह का औसत खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। फिर आगे देखिए, कह रहा कि अगले 5 महीना का औसत खर्च 12780 रुपया है, 5 महीना का 12780 रुपया क्या है, खर्च है, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा योग निकल जाएगा, 5 महीने का कितना टोटल खर्च हुआ, तो ये 0 × 0 हो जाएगा, 5 × 40 = 4 और 5 × 7 = 35, 35 × 5 = 35, 35 × 4 = 39, 3 × 5 = 10, 10 × 3 = 31 और 5 × 6 हो जाएगा, हम हो जाएगा 63900 रुपया क्या हो जाएगा, 5 महीने का खर्च हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अगले 5 महीनों का औसत हमको दिया हुआ 14280 रुपया, 5 महीने का दिया हुआ है 14280 रुपया क्या दिया हुआ, खर्च दिया हुआ। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारा कितना हो जाएगा, योग निकल के आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करिए 0 × 0 हो जाएगा, 5 × 40 = 4 और 5 × 10 = 4, 14 × 4 कैरी 1 × 5 = 20, 20 × 21 = 1, 2 × 5 = 7 हो जाएगा। हम कहेंगे ना टोटल ये 5 × 10 = 12, 12 महीने का हमारा टोटल ये खर्च निकल गया है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए कहते हैं ना 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 × 4 = 13, 13 × 3 = 16 = 6 = 1 और 2 × 2 = 5 हो जाएगा, 5 × 6 = 11 = 1, 7 × 8 हो जाएगा, 8 × 6 = 14, 14 × 1 = 15 हो जाएगा। हम कहेंगे 15 = 191,620 रुपया, ये हमारा क्या हो गया, 12 महीने का टोटल एक परिवार का खर्च निकल गया। अब आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है यदि परिवार में 66,300 रुपया वार्षिक बचत है, और कह रहा है ना कि ये तो हमारा खर्च निकल गया और हमको बचत कितना दे रहा है, बचत हमको दे रहा है 66,300 रुपया, 66,300 रुपया हमको क्या कह रहा है, बचत दे दिया, ये हमारा बचत हो गया। अब टोटल जोड़ देंगे तो हमारा आय निकल जाएगा, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। तब जोड़िए 0 × 0 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 6 × 3 = 9 हो जाएगा, 6 × 1 = 7 हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 1 × 1 = 2 हो जाएगा। हम कहेंगे कि 217,920 क्या हो गया, ये बचत हो गया, टोटल हमारा क्या हो गया, बचत हो गया। अब हमसे आय हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आय हो गया, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, तो खर्च और बचत दोनों जोड़ दिया तो ये हमारा टोटल साल भर का आय निकल गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है परिवार की मासिक आय ज्ञात करें, मासिक का मतलब हर महीने का आय क्या होगा परिवार का, तो ये तो साल भर का पूरा आय था, अब इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, मासिक आय निकल जाएगा। अब देखिए काटिए, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 × 7 = 21 हो जाएगा और 0 × 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 3 × 9 = 18 हो जाएगा और 3 × 4 = 12 और ये 0 हो जाएगा, ऐसे समझ में। अब फिर 4 से काटिए, 4 × 4 = 4, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, 4 × 4 = 8 हो जाएगा और 4 × 6 = 24 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कहीं मिस्टेक हो रहा है का जी, यहाँ पे 1 होगा, 160 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये 0 × 0 हो जाएगा, 2 × 2 = 6, 3 × 9 = 6, 7 हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 1 × 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको 12 से डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा ना, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 1 × 3 = 18 हो जाएगा, ये 6 यहाँ पे होगा ना, 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18 हो जाएगा और 3 × 6 = 12 इतना हो जाएगा। अब 4 से काटिए, 4 × 4 = 4, 4 × 32 हो जाएगा, 4 × 4 = 24,
यानी हमारा कितना हो जाएगा 18,160 रुपया क्या हो जाएगा मासिक आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से क्या कर रहा है ना कि हमको इतना इतना दे दिया हुआ है, अब हमसे पूछ रहा है माध्य पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। अब एफ का मतलब क्या होता है, बराबरता हो जाएगा, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, वर्गचिन्ह हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले एक चीज़ देखिए, पहले हम लोग क्या करना होगा ना कि एफ ये दोनों का हमको संयुक्त माध्य निकालने के लिए कह रहा है, तो दोनों को जोड़ दिए, तीन दो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा, ये चार एक पाँच हो जाएगा, तीन एक चार हो जाएगा, और एक एक दो हो जाएगा, और एक एक दो हो जाएगा, और ये दो हो जाएगा। अब इसको क्या करिए ना कि वर्गचिन्ह कैसे निकाला जाता है, वर्गचिन्ह ऐसे निकाला जाता है, इसको जोड़ के और दो से डिवाइड किया जाता है, तो जीरो में दो से डिवाइड करिए जोड़िए तो दो हो जाएगा, दो में दो से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, चार दो छः, छः में दो से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो छः चार दस, यहाँ पे पाँच हो जाएगा, और यहाँ पे आठ छः चौदह, चौदह का सात हो जाएगा, फिर यहाँ पे अट्ठारह हो जाएगा तो यहाँ पे नौ हो जाएगा, और यहाँ पे बारह तो ये हो जाएगा ग्यारह। अब क्या करिए ना, एक निकालिए एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, अब ये मल्टीप्लाई करिए तो पाँच एक एम पाँच हो जाएगा, पाँच तेई पंद्रह हो जाएगा, और पंचों के बीस हो जाएगा, और ये कितना सात दुना के चौदह हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा नौ दुना के अट्ठारह हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ग्यारह दुना के बाईस हो जाएगा। ऐसा समझ में, अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आठ दो दस, दस चार चौदह, चौदह पाँच उन्नीस, उन्नीस पाँच चौबीस, चौबीस के चार हाथ में लगा दो, दो दो चार, चार एक पाँच, पाँच एक छः, छः दो वो आठ, आठ एक नौ, यहाँ पे हो जाएगा नौ हो जाएगा, चौरानवे हो जाएगा। अब इसको क्या करिए ना, इसको आप जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़िए, वर्गचिन्ह को भी जोड़ा जाता है क्योंकि नीचे एफ से सॉरी इसको जोड़िए क्योंकि नीचे एफ से डिवाइड करना है। तो देखिए दो दो चार, चार दो छः, छः चार दस, दस 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 कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा। तब माध्य बराबर लिखिए, ऊपर एफ एक्स दे रहा है, एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है चौरानवे हो जाएगा, और एफ का मान कितना दिया हुआ है बीस, ये हमारा बीस लिख दीजिए। अब इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा तीन चार दुना के आठ और सात दुना के चौदह, तो हम कहेंगे 4.7, यही हमारा माध्य हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75 में हमको इतना दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है एलसीएम, अब इसका एलसीएम क्या ऐसे निकालते हैं। तो देखिए जो कॉमन दिया रहता है ना उसका जो बड़ा वाला घात रहता है उसी को लिखते हैं, जो कॉमन नहीं दिया रहता है ना उसको भी लिखते हैं, ठीक। अब जैसे देखिए दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 200% हो जाएगा, बड़ा इसमें घात कौन है तो इसका बड़ा घात है, तो यानी इसका लिखेंगे। अब देखिए तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तो घात किसका बड़ा है, तो हम कहेंगे इसका बड़ा है, यानी ये वाला हमारा लिखा है तीन का पावर फाइव हो जाएगा। अब देखिए सात इसमें भी है, सात इसमें भी है, तो घात किसका बड़ा है, तो इसका बड़ा है, तो हम कहेंगे सात का पावर तीन, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दो के पावर ऑप्शन डी चला जाएगा। देखिए ये टोटल हमने 25 क्वेश्चन किया गया, पूरा सॉल्व करा दिया। अब यह क्या करिएगा ना कि आप लोग सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना कि मैंने कितना क्वेश्चन बना लिया है, ठीक। ओके चलते हैं, जय हिंद।